तो है, गीता प्रेस का जो ये है, क्या बोलते हैं, रामायण है, वो वाल्मीकि। रामायण, वाल्मीकि रामायण असली नहीं है। बहुत सारे वाल्मीकि रामायण के, और सबसे ओल्डेस्ट वाल्मीकि रामायण जो है, जो बंगाल संस्करण में आता है, बंगाल संस्करण में रामायण जो आता है, वाल्मीकि रामायण जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, वो 1500 BCE का है। उसमें कोई ऐसा श्लोक का मेंशन नहीं है। जो गीता प्रेस का रामायण है ये सिर्फ 200-300 साल ही ओल्ड है, जो वाराणसी से लिया गया था। वाराणसी का एक कोई मतलब वहां पे भी उनका कुछ ग्रुप है, वहां से लिया गया था गीता प्रेस का रामायण। तो इसलिए ये थोड़ा एडिटेड हो जाता है चीजें, या अलग लेकिन वो अलग जगह उसको, पे जाके चीजें चेंज हो जाते हैं, हाँ लेकिन जो हमारा ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वाल्मीकि रामायण है उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं ओल्डेस्ट तो क्वेश्चन है, संस्करण में। वो नहीं होगा हमारे पास। जो गीता प्रेस का पहुंचा है वो मैंने रख दिया है, ठीक है। अब उससे इससे तो यही पता चलता है, आप जितनी बात करेंगे कि फलां वाल्मीकि के अंदर नहीं है, फलां के अंदर नहीं है, तो इससे यही पता चलता है कि वाल्मीकि जी रामायण जो है कि जी जनाब ये मसला है। खैर, मैं ये भी चाहूंगा कि कौन सी वाल्मीकि आपने कहा उसको जरा शेयर भी कर दें। 1 मिनट, इंस्टाग्राम से खत्म हो गया, उस वाल्मीकि को शेयर भी करिएगा तो ताकि बिल्कुल हम देख करना सकें, चाहिए ठीक जी। है। मेरे को रेफरेंस एक्चुअली लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं रेफरेंस मतलब मेरे को ऐसे क्योंकि ब्रेन में ये हाँ चीज थी, फेड थी, तो मैं बोल दिया। और हाँ जैसे इसी नहीं, वो इसी बात पे बोलना मैं असल में एक ये है, पॉइंट और रख। मेरे साथ मसला ये है, मेरे साथ मसला ये है कि मैं हर सुनी सुनाई चीज पर विश्वास नहीं करता नहीं सर, सुनी जब सुना तक अभी जैसे प्रमाण में देखिए नहीं। मैं जैसे देखिए सर, मैं अभी जैसे सुगाता बुद्ध की बात की मैंने, तो वो सुनी सुनाई नहीं थी। आप भी एक आर्टिकल खोले वहां पे आपको दिख गया, ये सुनी सुनाई नहीं है। मुझे मिला मगर, हाँ मगर ये है कि हिंदू वो धर्म जो मैंने में जो आर्टिकल, जो सॉरी, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैंने बेसिक इसीलिए नॉलेज खुद रखता है दिखाया। सर, उसको पता है ये चीज। मेरे अगर दिल में कोई चोर होता या कोई ऐसी मैं पक्षपाती होता तो मैं वो चीज जूम करके बताता भी ना, मुझे जी नीचे नजर उसका आया मेन मैंने बात है, उसको हमको जूम करके दिखता नहीं है बताया। फोन में, हमको फोन में नहीं दिखता। अब जैसे फोन में हम ज्वाइन करते हैं तो फोन में हाँ, छोटा स्क्रीन में तो पता ही ये नहीं तो चलता मैंने क्या हो दिखाया, रहा मैंने इसीलिए दिखाया कि आपकी बात भी सामने आए, मगर बड़ी तादाद के अंदर सुगाता बुद्ध जो है उसको स्वीकार नहीं किया जाता। ये नॉर्थ और साउथ में होने की वजह से एक बड़ा अंतर आया। जो बुद्धा को मानते हैं, एक यहाँ पर जगन्नाथ की बात भी की गई कि बाज जी। जगह और पर साउथ वाले सुगाता बुद्ध हिंदू जो जो हैं थे वो जगन्नाथ को सर नौवां अवतार मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते, जी, ठीक वो है। वही वही बोल रहा हूँ, बिलीफ है। देखिए हिंदुइज्म की यही खूबसूरती है कि लोग हर मतलब मगर यहाँ जिसका इतने मतलब कंफर्म नहीं है भगवान है ना, इतने, नहीं उस इसको गलत ढंग से मत लीजिए आप, इसको पॉजिटिव वे में देखने की तो एक बार कोशिश कीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत ढंग से बिल्कुल नहीं नहीं इसको समझ लिया आता नहीं जा सकता, लेकिन मैं। आप एक चीज बस देखिए जो मैं दिखाना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। हम ये कहना चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस है यहाँ पे चीजों को लेके। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि बोलते कि नहीं भाई तुम्हारा विचार गलत है, या आपकी आप जो सोच रखते हो उससे हम आपके से मतलब आपसे फाइटिंग में आ जाएंगे। जैसे बुद्ध धर्म को भी, गौतम बुद्ध का जो धर्म है उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, हिंदुस्तान उसको भी रखा है। वही आप अफगानिस्तान में जाइए, वहां पे भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, ठीक पूरी है ठीक हटा है दी, ठीक है। तोड़ के हटा दी। नहीं तो मूर्ति, इंडिया नहीं में जो मूर्ति सारे हटा, धर्म है हम सबको हाँ एक्सेप्ट मूर्ति, करते हैं, नहीं, अगर अगर आप कहेंगे कि अभी अफगानिस्तान हमारे की अगर रामायण हटा भी दी लिख गई, रही है। जी सर मेरा भाई अगर आप कहेंगे कि हटा दी गई, तो स्वामी विवेकानंद ने भी ये लिखा है कि जी स्तूपा हैं, ये देखे मैंने आपके सामने रखा था कुर्मा पुराण का रेफरेंस, दोबारा रख देता हूँ। वहां बोला जाता जी है कि योगा करते हुए आपने ऐसी जगह पर नहीं योगा करना जहां पर बुद्ध जी जो है वहां होते हैं, ठीक सर है, वही बात ये है। बोला। बुद्ध देखिए बुद्ध का अब मतलब आगे ये बढ़ते नहीं हैं, है काफी ज्यादा जी बात हो गई है, मैं आखिर में सिर्फ सर। ये बात करना सर चाहूंगा। आपने रेफरेंस रख दिया, जी मैं उस पर बोल दूं एक एक वर्ड बोल दूं। जी देखिए बुद्ध, देखिए दो बात हो सकती है मेरे हिसाब से। देखिए जो सुगाता बुद्ध थे वो जो एक मिनट थे वो रुकिएगा, डीमन एक मिनट रुकिएगा, रुकिएगा रुकिएगा, जी एक मिनट रुकिएगा। ये बोल रहे हैं पसमांदा मुस्लिम कौन? भाई मैं पसमांदा हूं, मैं पसमांदा हूं, पसमांदा का मतलब पता है आपको? मैं पसमांदा मुस्लिम हूँ, कमाल हो गया यार। उसको पसमांदा का मतलब भी नहीं पता हो। मनोज जल्दी से ऊपर आ जा मेरा भाई, जल्दी से आ जा, तेरे साथ मजा आएगा बात करने का, जल्दी से आ जा ऊपर, मैं बताता हूँ पसमांदा क्या होता है। अच्छा खैर, हरिओम भाई, हाँ जल्दी सर से आप अपनी बात खत्म कर ले, मैंने आगे बढ़ना है, बहुत से लोग बैठे, मुझे लग रहा है कुछ बौद्ध भी आए हैं, वो अपनी बात रखना जी चाह रहे हैं, बिल्कुल सर, जल्दी सबसे करेंगे। बात करिए सर। मैं ये कह रहा था कि जो गौतम बुद्ध है उनकी माँ का नाम, उनकी फैमिली अलग है, और जो सुगाता बुद्ध है उनकी फैमिली अलग है। जैसे उनकी माँ का नाम अंजना था, जैसे हनुमान की माँ का नाम भी अंजना था,
तो ये इस टाइप से बुद्ध, बहुत सारे ये नहीं मेरी, ये गलत बात है। फिर देखिए मैं यहाँ रोकूंगा आपको, कंक्लूड कर रहे रोकिए। हैं आप ना, तो आप कंक्लूड आपका आ गया। अगर आप कहेंगे, आप सिद्ध करेंगे कि भाई ये बौद्ध और है फलाना और है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बड़ी तादाद, बड़ी संख्या हिंदुओं की बुद्ध को मान, ऐसा कंफ्यूजन क्यों रखा गया वहां पर? क्यों नहीं सर, वही बात है, जब लिखा गया पुराण जो लिखा अच्छा, गया फिर है। दूसरा, फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि अग्नि पुराण के अंदर जो दैत्य थे सबको बहकाकर बोध कहलाया गया। अब ये मैं आपको बताता हूं, उसमें कहीं नहीं लिखा कि सुगाता फलाना है तो टमकाना है। ये देख लें जरा, प्रमाण ले लें। अब मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपकी भी तसल्ली हो जाए, ताकि ये ना रहे कि आप कहें जी फला बोध के बारे में तो नहीं कहा गया, फला बोध के बारे में कहा गया। तो ये नहीं, प्रमाण ले लें, यहां फला पर फला की बात, बुद्ध का कैटागोरिकल मतलब ये, कैटागोरिकल बोध के बारे में। बुद्ध का मतलब ये नहीं है कि जो बुद्ध है उनकी बात की। बुद्ध मतलब होता है उनके डिसाइपल्स को भी बुद्ध बोला जा सकता है, हिंदू धर्म के हिसाब हाँ, से होता है। तो बोध शुरू हुआ, बोध मत शुरू हुआ, बोध के जी जो डिसाइपल हैं वो बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है, हाँ, बोध नहीं भी उनको कह बुद्धि सकते वो हैं, मगर ये याद सर, रखें, मैं मगर ये वही याद बात रखना है कि कर बोध कहलाए। जरा सुन लें, सुन ले जरा सुन लें। अग्नि जी सर पुराण है, 16वां अध्याय है, यहां पर आपने जी देखना है, ये मैं आपको पहले मिटा के फिर आपको दिखाता हूं, ठीक जी है, सर, दिखता ये नहीं है आप मुझे, देखना। पता नहीं, फोन मैं छोटा सा जूम है, कर लेकिन देता हूँ, दिखाइए। मैं जूम कर देता हूँ, बाद में तसली से देखिएगा। वो जी जी बोध के अनुयायी जी दैत्य बोध कहलाए, बहुत बोध मत दे का यहां से शुरू हुआ। अब देखें ये विषय क्या है, ये भी जूम करके अनुयायी दिखा रहा हूं। सर, आपने खुद रीड कर दिया बोध, सर। अनि अनु सुने तो अनुयायी सही, दैत्य सुने तो सही। राक्षस, राक्षस थे वो हाँ, भगवान तो यही तो बता रहा जो हूं, बोध को राक्षस, ये देखे ऊपर, नहीं नहीं बोध सर, बौद्ध को और राक्षस नहीं, राक्षसों को बौद्ध कहा गया है, ये बात आप रा, समझिए। हाँ, राक्षस क्या बोला गया जिन है? राक्ष आप देखिए, गौतम बुद्ध का इसमें नहीं, रेफरेंस मत सुने सुने, लीजिए फिर बोले आप बोले वही वो जुमला बोले, मैं वो जुमला बोले राक्षसों को। बिल्कुल वही जो मैं बता रहा हूँ, राक्षसों को बुद्ध कहा गया है, बुद्ध को राक्षस नहीं कहा गया, समझे। जबरदस्त हाँ, जबरदस्त, इसका अब मतलब समझे रुक आप जाना, जरा सर, रुक जाना। हाँ, जरा बिल्कुल सुन जाए, सुन जाए, विषय देखें। बौद्ध और कल्कि अवतारों की कथा, अब ये कथा जी मैंने पूरी सुनाई है। अगर आप ये पता क्यों जुमला बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी जी कथा सुनी नहीं। अगर ये पूरी कथा सुनी होती ना, जो अग्नि देवता कह जी रहे हैं, आप ये जुमला ना जी बोलते जो आपने पकड़ने की कोशिश की है, क्योंकि आपको सर कथा नहीं जी पता। कथा पता क्या है, सुने जरा। हुआ बोलिए। ये, असुर जो दैत्य हैं, असुर हैं, उनका देवताओं के साथ घोर संग्राम हुआ। उस जी संग्राम, संग्राम में देवता जो, संग्राम हाँ संग्राम, थैंक यू ठीक करवाने के लिए, संग्राम, घोर संग्राम हुआ। उसमें जो जी दैत्य हैं वो सफल हुए और देवता जो हैं वो असफल हुए। असफल जी होने के पश्चात देवता जो हैं वो भगवान के पास जाते हैं, और माया मोह माया रूपी आकर उन्होंने शुद्धोदन का पुत्र हुए। जी शुद्धोदन के पुत्र होकर उन्होंने क्या किया कि वो जो असुर थे ना, उनको जी मोहित किया, और जी मोहित करके पश्चात उन्होंने वैदिक धर्म परित्याग करवाया उनसे। वो जी लोग बोध कहलाए बिल्कुल जिन बिल्कुल असुरों से त्याग करवा दी वैदिक धर्म, उनको बोध कहा जाने लगा। इसी तरह आगे लिखा है कि उनमें से कुछ लोग थे जिनको आरहत, आरहत कहते हैं जैन को, आरहत बनवाया, जो जैन बन गए। हाँ, यहां मैं पर समझ अगर रहा हूँ आपको सर। पता होता, अगर आपको ये कथा पूरी पता होती, तो आप ये जुमला ना बोलते। याद रखें, असुर जो थे जब वो जी देवताओं से जीत गए, उसके जी पश्चात उनको वेद धर्म से त्याग करवाकर दूर कर कर बोध मैं बनाया। यही सर बोध करते हैं, ये वेद धर्म से विरुद्ध जाकर निकलते हैं, इसलिए उनको सनातन धर्म देखिए में असुर कहा गया। सर, ये मैं इसके लिए कह रहा था, जो आपने अभी दिखाया था अच्छा, उससे बहरहाल डिफरेंट, हरिओम जो आप भाई, बोले आप सर। अपनी सिर्फ सिर्फ आपके पास ना चंद सेकंड्स हैं, अपनी बात रख लें, क्योंकि बात से बात निकलती है, पीछे लोग बैठे हुए हैं वो नाराज होंगे मुझसे, जल्दी सर करें। मैं यही कह रहा हूं कि जो आपने अग्नि पुराण का ये दिखाया, जिक्र दिखाया, वही क्या कहते हैं इसको, एक पुराण जी, है और मेरे को रेफरेंस हमारे और साथ याद नहीं। जगमोहन भी आ चुके हैं, जी सर, इको आ रही है मैं जगमोहन जी। हरिओम, जल्दी से बात कर लें आप जी। सर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। भागवत पुराण में वही जो जो दूसरे बुद्ध हैं उनका जिक्र है, और ये जो आपने दिखाया इसी की मैं बात कर रहा था कि जो जब लिखा गया था, जब क्योंकि राइटिंग्स में ये सब नहीं थी, जगमोहन, जगमोहन आपके हाल माइक से शोर आ रहा है, के जल्दी से माइक ठीक कर लीजिए मेरा भाई, आपका स्वागत है, मगर आपके माइक से ना थोड़ी डिस्टॉर्शन है। हाल फिलहाल में जब भी राइटिंग्स में आए, जब 9th सेंचुरी है, जब भी राइटिंग्स में आए, इनिशियल जो एडी थी,
और लेटर बीसी में जब राइटिंग्स में वेद और ये सब, तो जाके उसमें ब्राह्मण का जो ब्राह्मणों का जो एक वो था, ब्राह्मणों के कल्चर के कारण इसमें थोड़े बहुत मैनिपुलेशन हुए उस टाइम के जो। आप खुद सोचिए कोई दूसरा रिलीजन अगर इमर्ज करेगा तो आप उससे, वो डिफरेंट रिलीजन है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ वो जो उस टाइम के लोग हुए होंगे वो हिंदू धर्म में कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करने की कोशिश की। लेकिन उसी के जो ओल्ड वर्जन मौजूद है, जैसे मैंने आपको रामचरित सॉरी वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया, वैसे इसके भी इसका भी होगा। मैं इन सब का अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन एक दो पॉइंट जो जानता था मैं आपको बता दिया। तो इन सब में एडिशन हुए हैं, तो एडिशन के कारण ऐसा है। और एक्चुअली एडिशन अगर नहीं भी हुए तो बहुत सारे वर्जन है समय समय। हमारा धर्म में क्या है कि हम रिविजन, मतलब चीजों को स्क्रिप्चर को रिवाइज समय के साथ रिविजन होता रहता है उसमें। लेकिन जरूरी नहीं हम खुद जानबूझ के रिवाइज करें, अगर कुछ खराबी है कुछ बुराइयां हैं तो उसको हम बस निकालते हैं, अच्छाई को रहने देते हैं। तो बस सर इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू। ठीक है ठीक है, हरिओम भाई आप हमारे साथ रहे, देव भाई भी बात करेंगे, सिर्फ एक मिनट जगमोहन भाई से मैं वेलकम कर लूं। एक मिनट रुकिएगा, सारे दोस्त रुकिएगा, माइक म्यूट रखें। जगमोहन भाई मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ आवाज़ हक के ऊपर। जनाब आज बड़ी मजे की महफिल सजी है, तो आवाज़ हक स्टाइल में आप सबका दोस्तों स्वागत है। पीछे कुछ और भी हमारे सनातनी दोस्त भी बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आज बड़े अच्छे से महत्वपूर्ण विषय पर बात हो। मैं स्वागत करता हूँ विष्णु भाई का, देव भाई का दोबारा से और जगमोहन भाई का दोबारा से। इस रिसर्च के विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। जो जगमोहन भाई आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, जितनी चर्चा आपने सुनी उस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए, अगर किसी को कोई प्रश्न या कोई आपत्ति होगी वो जरूर रख सकता है। बारी बारी जी जगमोहन भाई। हेलो जी भाई। हेलो जी जी, बैकग्राउंड से नॉइज तो नहीं आ रही है ना? हल्की हल्की सी आ रही है मगर गुजारा चल जाएगा, आप बोलें। जी जी, तो ये जो अभी हरि ओम जी बोल रहे थे कि समय समय पे चेंज होता रहता है हिंदू धर्म में जो भी टाइम के साथ, तो फिर ये अपने आप को सनातनी कैसे कहते हैं? क्योंकि सनातन का मतलब तो होता है जो हमेशा से चला आ रहा है, वो बदला नहीं है, सेम वैसा ही है परंपरा अनुसार। जी जी सर, सनातन के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं और जो बेसिक चीजें हैं वो सनातन है वो। और सनातन कहने का मतलब ये तो हाल फिलहाल की टर्मिनोलॉजी है, एक्चुअली इसका वेदों में भी जिक्र है, लेकिन ये वही है कि जो हमारी जो इम्पोर्टेंट बिलीफ है वो चेंज नहीं हुई, बाकी थोड़ी बहुत इधर उधर स्टोरी कोई आता है कोई चेंज करके वो हल्का हल्का, लेकिन जो बेसिक चीज है जो ओल्ड, अब बिल्कुल ओल्डेस्ट तो नहीं है, ओरिजिनल तो हमारे पास नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो हाल फिलहाल में जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर मौजूद है उसमें ऐसी कोई, मतलब जो भगवान बौद्ध के ऊपर जो साक्ष्य थे मैंने आपको बताया वैसा कुछ मौजूद नहीं है। और होगा भी जो रिटर्न में है वो थोड़ा मैनिपुलेटेड है ब्राह्मणिज्म के कारण, बस इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है जगमोहन भाई। नहीं नहीं वो मतलब हुआ नहीं, सनातन का मतलब ही होता है ना कि हमेशा से बराबर, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कभी कोई उसमें कभी वो मतलब बिगड़ा नहीं, मतलब जो हमेशा शुरुआत से था वैसे ही। जी जी देव भाई, देव भाई इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देव भाई, देखिए जगमोहन जी बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये सनातन क्यों है और क्यों कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो सनातन धर्म नहीं है ना, तो सनातन रिलीजन है, अगर कोई मिस इंटरप्रेट कर रहा है या आजकल फैशन स्टाइल बन चुका है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, कहीं लिखा नहीं गया है। सेकेंडली क्या है कि जब सनातन ये क्या यहाँ पर बात हो रही है तो उसके दो अर्थ लिए जाएंगे। एक अर्थ ये है कि हर रिलीजन जो दावा करता है कि भाई उसका क्रिएटर सबसे पहले आया है और सबसे, मतलब आया क्या, उसका क्रिएटर हमेशा था हमेशा रहेगा, तो हर धर्म सनातन है। यहाँ सनातन जब धर्म और रिलीजन को आपको समझना पड़ेगा ना कि व्हाट इज धर्म एंड रिलीजन। अब ये है कि आमिर भाई मुझे शायद अलाउ ना कर पाए क्योंकि उनका टॉपिक अलग है, हम लोग कहीं और जाएंगे, एक लाइन में बस एक लाइन में बोलूंगा कि धर्म इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, धर्म हुआ है कि जो लिविंग स्टाइल है, ठीक है, और आप कोई भी हिंदू स्क्रिप्चर्स जो लेंगे, जो कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट लेंगे, कोई दावे के साथ आज नहीं कह सकता कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, इसलिए जो लोग बिलीव करते हैं टेक्स्ट पर वो उनका प्रॉब्लम है। ठीक है,
फर्स्टली। सेकेंडली ये है कि जहां तक बौद्ध धर्म के इनके क्वेश्चन की बात है, नो डाउट कि मैनिपुलेटेड है, ठीक है। बहुत जगहों पर भगवान बुद्ध को गाली दी गई है हिंदू टेक्स्ट में, और बहुत जगहों पर उनको अवतार माना गया। विष्णु पुराण के जिस 16वें अध्याय की बात कर रहे हैं, वो अग्नि पुराण के उसी अग्नि पुराण के 49वें अध्याय में उनको अवतार माना गया है, उनको बकायदा बताया गया, उनकी बड़ी बड़ी प्रशंसा की गई। तो ये सब पानी मिलाया गया भाई, उसको तो किसी से भी पूछिए जो बुद्धिमान आदमी, बड़े आराम से कह देगा कि ये साजिश है या क्या है या एक प्रयास है समरसता का, ठीक है, वो पानी मिलाया गया। अब रही बात, मैं दोबारा इसलिए नहीं जुड़ा था कि मुझे फिर से कुछ व्याख्या देनी है, मैं नई चीज कुछ नहीं कहूंगा। आमिर भाई, ये एक छोटा सा गुजारिश है कि अपने व्यूअर्स को समझा दीजिए कि यहाँ लोग आते हैं तो सारे लोग गाली देने, गाली गलौज करने नहीं आते, नहीं, कुछ नहीं, लोग नहीं। कुछ लोग मतलब प्यार से बातें करने आते हैं, ठीक है। मैं सम्मान करता हूं, शायद एक भी बात आपके शान के खिलाफ नहीं की, आपके व्यूअर्स के शान के खिलाफ नहीं की, ना तो मैंने अल्लाह सुभान तआला और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह के खिलाफ की, फिर भी आपके व्यूअर्स ने मुझे पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोला। मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर इस टाइप की बातें आपके व्यूअर्स करेंगे, मैं दोबारा शायद आने की मुझे हिम्मत ही ना हो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, देख भाई, मैं यहाँ से विनती करता हूँ हमारे दर्शकों से, कृपया प्लीज, हमारे जो अच्छे लोग हैं जो आकर अच्छे से बात रख रहे हैं, कोई अपमान नहीं करते, कोई गाली गलोच नहीं करते, धीरज के साथ गंभीरता से विषय को लेकर बात करते हैं, कृपया उनमें फर्क कीजिए। आप मुझे देख रहे हैं कि मैं जब ऐसे व्यक्तियों में जो सम्मानित हैं या हमारे अपमान नहीं कर रहे और बराबरी की सतह पर चल रहे हैं, मैं उनको सम्मान दे रहा हूं, तो आप कम से कम यहां से वो वाइब लीजिए और ये कीजिए, नंबर एक। नंबर दो, मैं देव भाई आपके थ्रू ये बात करना चाहूंगा आपसे कि दर्शक जो हैं, इनको कंट्रोल करना हमारे वश के अंदर नहीं है। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो भड़काई, आपको पता, भड़काऊ और झगड़ा और जो है ना वो दंगा करवाने के मूड में रहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम क्यों बैठकर शांति उन्नति से बात कर रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है इस चीज को, तो ये भी दिक्कत होती है। इसलिए आपने भी बड़े दिल के साथ हमारे साथ बैठना है, मैं आपका पूर्ण सम्मान करूंगा जो आप डिजर्व करते हैं। अब मैं प्रश्न उछालने लगा हूं क्योंकि मेरे साथ यहाँ इस वक्त विद्वान और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले माशाल्लाह तमाम पुरुष मौजूद हैं, तो मैं इस महत्वपूर्ण विषय को जो है ना वो एक जबरदस्त गुफ्तगु का जो है ना वो मौका बनाना चाहता हूं। यहां पर बात चल रही है राम लल्ला जी, श्री राम जी की मूर्ति में जड़े बोध की फोटो से। वो बोध जिनके बारे में देव भाई भी कह रहे हैं, प्रमाण मैंने दिखाए हैं, इतिहास गवाह है कि जिनका बहुत खतरनाक तरीके से और बड़े जबरदस्त तरीके से खंडन किया गया है। ऐसी सूरत में जो नास्तिक विचारधारा है, जैसे जगमोहन भाई बैठे हैं, योहान बैठे हैं, वो इस पर चर्चा जरूर करें, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब उन्होंने ईश्वर को, परमात्मा को स्वीकार ही नहीं किया और एक पशंडम जिसको वेद विरुद्ध एक या वेद से हटकर एक विचारधारा को लेकर चले हैं, मेरा सवाल वही रहेगा, उनको मूर्ति पर क्यों रखा गया? ये मेरा सवाल है जिसको धार्मिक विषय के या धार्मिक माध्यम से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें समाज का क्या जो है ना वो दखल हो सकता है, वो अलग मसला है। इतिहास कैसे काम करता है, अलग मसला है। ये धार्मिक, प्योरली धार्मिक है। अच्छा, देव भाई ने काफी चर्चा इसके ऊपर की है, विष्णु भाई का पक्ष मैंने नहीं सुना, जगमोहन भाई अगर को बात करना चाहते हैं वो भी करें, क्योंकि ये दो भाई हैं जो अभी तक कम बोले हैं। हरिओम भाई, मैं यूट्यूब पर सुनता रहूंगा, चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है देव भाई, बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई, थैंक यू, फिर से आइएगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। देव भाई हमारे साथ थे, वो चले गए, शायद उनके पास समय कम था, कोई बात नहीं, हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं जिनको हम लेंगे, मगर मैं चाह रहा हूँ बारी बारी स्टेज पर लोग मौजूद रहे और बड़े जो है ना वो तरीके के साथ बात हो। जगमोहन भाई, आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो मैंने आज चीजें रखी उस पर आप कोई व्याख्या करना चाहते हैं जरूर करें सर। जी 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 अली, आमिर भाई आपने सही बताया, जो भी ग्रंथों में आपने जितनी भी चीजें बताई सभी सही है, लेकिन मेरा हरिओम से क्वेश्चन है कि आप के बुद्ध, आवाज कट गई आपकी, दोबारा बोलिए। बुद्धिस्ट के बुद्ध हैं वो अलग है। जगमोहन भाई की आवाज कट रही है मेरे पास, जी दोबारा बोलें।
एक मिनट आप कोई और बोले, मैं एक मिनट बोलता हूँ। ठीक है विष्णु भाई ने अभी तक बात नहीं की। हरिओम भाई आप जरा रुकिएगा। विष्णु प्रभाकर भाई आपका स्वागत करते हैं। आज आपने विषय सुना है विष्णु भाई जो चर्चा की गई आज? हाँ मैं कुछ देर से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं अमित भाई आया था आपसे पीजीएफ के रिगार्डिंग। मैंने पीजीएफ आपसे रिक्वायर्ड किया था, मैंने कहा मैं मेल कर दूंगा। जी जी मैं पीडीएफ तो मिलती रहेगी। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा ही जनाब गंभीर टॉपिक है, जैसा कि आप हमेशा इच्छा करते हैं कि टॉपिक होना चाहिए। मैं लेकिन सर वो मेरे को प्राइवेट लिंक में दे दें पीजीएफ, क्योंकि मैं आया था आज उसी के पर्पज से। वो मुझे मेल मिला नहीं आता। कुरान हिंदी के अंदर आप चाह रहे हैं राइट? हिंदी इंग्लिश और अरबी तीनों, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, क्योंकि मैंने डाउनलोड करा एक आपने लिंक जो दी थी वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें तो काफी चीजें बेहतर तरीके से आ रही, लेकिन मैं उसको जूम करके जैसे पीजीएफ को मैं पढ़ पा रहा हूँ वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आंखों की मुझे दिक्कत थोड़ी सी है। तो कोई पीजीएफ ऐसा दे जिसमें तीनों हो और मैं इसको जूम करके मतलब फुल स्क्रीन पे पढ़ पाऊँ। वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको ईमेल दे दूंगा, मैं उसकी खोज कर लूंगा, तो खोज कर आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये आज मेरे को या चाहे कल मेरे को पक्का उपलब्ध करा दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा आपके स्ट्रीम का, फिर मुझे मिल पाएगी। मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। आप ईमेल वगैरह मुझे एक बार दोबारा याद करवा दीजिएगा अपनी आईडी से। मेरी ईमेल आप देख लें स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? मैं आपको प्राइवेट चेक में अपना ईमेल दे रहा हूं, और प्लीज काइंडली मेरे को दे दें ये। असल में मैं ईमेल, मेरे लिए नोट करना दिक्कत होगी, आप नोट करके सिर्फ एक ईमेल मुझे भेज देंगे, मैं रिप्लाई के अंदर पीडीएफ फाइल अटैच कर दूंगा, मेरे लिए ज्यादा आसान है वो। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। हाँ वो दे दे, या आप अपने या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप अटैच कर देंगे तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी विष्णु भाई, ये क्या चल रहा है, मैं समझ में नहीं मुझे आ रहा। बोध की मूर्ति, बोध की फोटो, चे माना दारद, इसका क्या ताल्लुक है? देखिए मैं इसका वन लाइन आंसर आपको दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जो सनातन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो धर्म के जो 10 लक्षण मनुस्मृति में आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये जो धर्म के 10 लक्षण है इसमें से 4 को लेकर के गौतम बुद्ध ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको प्रत्युत समुत्पाद कहते हैं। उनका टोटल जो थिंकिंग थी वो थी कि दुख का कारण है, अगर दुख है तो दुख का कारण है, उसके कारण को दूर कर दिया जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया और निकल गए तपस्या की, और तब उन्होंने सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, चोरी न करना, इन 4 सिद्धांतों को लेकर के गौतम बुद्ध चले, जो धर्म के 10 लक्षण में माने जाते हैं, और पूरा जीवन उन्होंने इसी में लगा दिया। मानवता के हित में उन्होंने कार्य किया और तप को अपना साधन बनाया। यही वजह है कि जो श्री राम की मूर्ति बनी है रामलला की, वहाँ पे उनमें उनको भी स्थान दिया गया है, क्योंकि सनातन के मूल्य जो है वो नहीं बदलते हैं। कोई व्यक्ति अगर नास्तिक हो तो भी धार्मिक हो सकता है। विष्णु भाई अगर मैं नास्तिक हूं, आपने कहा आपने कहा, सुनिएगा जरा एक मिनट जगमोहन भाई, सिर्फ एक सवाल कर लूं, आपके माइक अभी तक ठीक नहीं हुआ मगर आप बात कीजिएगा। विष्णु भाई आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म के 4 लक्षण जो हैं इनको लेकर इस नींव पर विचारधारा और पूरा एक समाज खड़ा किया, इस वजह से उनको श्री राम जी के रखा गया, ये बात तो ठीक नहीं है? उनको विष्णु के 9वें अवतार के तौर पर रखा गया है, विष्णु का 9वां अवतार। कुछ परिवर्तन वहां तो ये लिखा ही नहीं है कि धर्म के इस लक्षण की वजह से लिखा है, 10 अवतार हैं उसमें रखा गया उनको, ये क्या बात विष्णु भाई आपने क्या किया है? कुछ परवर्ती पुराणों में, जैसे अग्नि पुराण में भी जिक्र आता है कल्कि अवतार के बारे में या इसके बारे में, तो ये चीजें कोई बहुत एथेंटिक नहीं आती हैं, लेकिन मानते हैं कि 10 अवतारों में उनकी गणना होती है। बाद की ग्रंथों में चीज आता है, पूर्ववर्ती ग्रंथों में नहीं आता इस तरह का कुछ उल्लेख, कुछ पुराणों में बाद में आता है, बुद्ध को एक अवतार के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। तो उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने समाज के हित के लिए इन गुणों को लेकर के जो प्रत्युत समुत्पाद एक सिद्धांत प्रतिपादित किया लेके चले। हमारे यहाँ महापुरुषों को आदर देने की परंपरा शुरू से रही है, जो भी व्यक्ति समाज के हित के लिए कुछ कार्य करता है। तो सनातन शंकर आचार्य जी का क्यों वहां पर नहीं डाला गया? हम शंकराचार्य की बहुत सारे मतों को मानते हैं, अभी आप सत्यार्थ प्रकाश का उदाहरण दे रहे थे, सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर बड़ा आपका रिसर्च चल रहा है, आपने गौर किया होगा सत्यार्थ प्रकाश कोई ओरिजिनल बुक नहीं है, एक तरह से डाइजेस्ट है, कुछ मनुस्मृति को उदाहरण मिलते हैं, कुछ वेदों को उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है। मेरा प्रश्न तो आप गोल कर गए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर समाज सेवक के तौर पर देखना था
तो शंकराचार्य जी ने बोध का खंडन, जैन का खंडन करके ज्यादा स्थापना की है वैदिक फिलोसफी की, और प्रभुपादा जी ने तो उनको शिव जी का अवतार माना है। शिव जी ने कहा था कि कलयुग के करीब मैं एक मायावादी फिलोसफी ब्रह्मचारी रूप के अंदर आऊंगा। तो प्रभुपादा जी कहते हैं कि शंकराचार्य जी हैं ये, श्री पादा शंकराचार्य जी जो शिव का अवतार है। मेरा मानना यह है कि अगर किसी के कार्य को और किसी की समाज सेवा को देखकर आपने उधर उसको फिट करना था, जबकि ऐसा नहीं है, अवतार माना गया है जो आपने बाद में स्वीकार किया मेरे प्रश्न के बाद, तो फिर शंकराचार्य जी को बीच में ठोके, बोध को क्यों? अब सनातन के 11वें अवतार के तौर पर लोग आपको भी कुछ दिन में प्रतिष्ठित कर देंगे कि आमिर हट के माध्यम से लोगों ने सनातन की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया है। आमिर भाई, जगमोहन भाई, जबरदस्त विष्णु भाई, जगमोहन भाई आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। मेरा इनसे क्वेश्चन है कि इनका धर्म का नाम सनातन है या फिर हिंदू है, ये तो कंफर्म कर लें अपना। कभी सनातन बोलते हैं, कभी नहीं। जगमोहन भाई नहीं, सुने टॉपिक विषय के ऊपर, प्रश्न जो है वो विषय के ऊपर होगा। पहले इनका धर्म का नाम तो पहले हो जाए ना निश्चित कि इनका सनातन है या हिंदू है। अगर सनातन है तो हमने पहले बता दिया है कि सनातन का मतलब होता है कि जो हमेशा से चला आ रहा है सेम, लेकिन इनका धर्म तो बार बार बदलता रहता है, कभी आर्य समाज बन जाता है, कभी सैव मार्ग बन जाता है, कभी वैष्णव मार्ग बन जाता है, तो ये सनातन कैसे है, इसका पहले एक्सप्लेनेशन तो दे दें। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, जी, जी मेरी मूर्ति में भी टाइम है जी, आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, मैं तो सनातन धर्म का ही मानने वाला हूँ। सनातन का अभिप्राय होता है, मुझसे पहले भी था, मेरे बाद भी रहेगा। देखिए, सुनिए विष्णु जी, पर्सनल कोई नहीं होता है, धर्म होता है वो एक पूरी कम्युनिटी का होता है, पूरे एक जो समूह उसको मानने वाले उनका होता है, पर्सनल कुछ नहीं होता। आप तो पर्सनल कुछ भी मान लेंगे तो आपकी थोड़ी चलेगी वहां पे। आप तो जो धर्म का, धर्म के हिसाब से वो बताइए ना। तो मैंने बताया, तो अभी मैं चर्चा कर रहा था मनुस्मृति का 6:92 जो श्लोक कहती है कि धृति क्षमा दमोस्तम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य क्षमा, अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना, दम यानी हमेशा संयम में लगे रहना, अस्त्य चोरी नहीं करना, सोच भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, धीर सत्य कर्म। नहीं, आप जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं। यही धर्म के 10 लक्षण है, जो व्यक्ति इन लक्षणों को अपने अंदर धारण करता है वही व्यक्ति धार्मिक है। तो इससे आपका ये सनातन या जो हिंदू धर्म है वो कैसे हो गया? हमने तो उसका मतलब पूछा है ना। आप हिंदू धर्म की नहीं है, जो व्यक्ति अपने अंदर इन गुणों को धारण करता है वही व्यक्ति धार्मिक है। वो कोई भी पंथ मजहब संप्रदाय मानने वाला हो, कहीं का भी पैदाइश करने वाला हो, किसी भी आइडियोलॉजी को माने, जिसके अंदर इक्वालिटी। मैंने आपसे पूछा कि आपके धर्म का नाम एक कोई चूज करो, क्योंकि सनातन आपका नाम है नहीं, आपने बुद्ध से चोरी किया है। देखिए, मैं आपने मेरी आइडियोलॉजी पूछी, मैंने बता दी, जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण है वो व्यक्ति धार्मिक है। नहीं, मैंने आपसे ये धार्मिक है, बाकी उसकी आपसे आपकी आइडियोलॉजी नहीं पूछी। मैंने पूछा कि धर्म का नाम क्या है, हिंदू या सनातन। मैंने सनातन बता दिया आपको। सनातन का क्या मतलब होता है? मैंने बता दिया आपको सनातन का मतलब। अभी क्या मतलब होता है बताओ ना। अभी मैंने आपको उदाहरण दिए ना कि जो व्यक्ति इन धर्म के 10 लक्षणों में यकीन रखता है अपने अंदर, उनको नहीं होता है ना, वो आप अपने हिसाब से बना रहे हैं, कुछ भी बना लो आप अपने हिसाब से। जो उसका मतलब होता है डिक्शनरी में जो दिया गया है, शब्दावली में जो दिया गया है, उसका मतलब बताओ ना। बता तो दिया है, जो व्यक्ति इन धर्म के 10 लक्षणों को अपने अंदर धारण करता है वही व्यक्ति धार्मिक है, जो नहीं रखता वो नहीं। धार्मिक का नहीं, सनातन, सनातन धार्मिक अलग चीज होती है, सनातन जो आप बोल रहे हो उसका मतलब अलग होता है। सनातन एक धर्म है, बाकी पंथ मजहब संप्रदाय नहीं है ना। सनातन धर्म कोई है नहीं। अभी मैं अभी अपना नाम रख लूं सुंदर राम, तो मैं सुंदर थोड़ी हो जाऊंगा। ऐसे ही आप सनातन बोल रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली कहीं अपने आप को, अपने धर्म को जो 1000 साल पहले बना उसको शुरुआत से स्थापित करना चाहते हैं क्या? जैसे आपने बुद्ध को राम की मूर्ति में स्थापित कर दिया तो आपका तो ऑटोमेटिकली बुद्ध से पहले चला गया धर्म, जबकि ऐसा है नहीं। अग्नि मूर्ति बनाएंगे तो आमिर हक को भी उसी में शामिल करेंगे, क्योंकि ये भी मानवता के हित में लगे हुए हैं। और रामायण में फिर गाली दे दो, नहीं तो फिर बुद्ध को फिर गाली दे देंगे।
आदर करोगे तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जगमोहन भाई, जग हाँ विष्णु भाई, जगमोहन भाई जो प्रश्न रखना